हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी मेरा देखिए एकदम क्रंची वाला अंडा पकोड़ा। तो सबसे पहले मैंने देखिए चार अंडा उबाल लिया है। अब इसमें हम छोटा छोटा कट लगा देंगे चारों तरफ घुमा घुमा के। ऐसे हमें सारे अंडे को एक एक कट लगाना है छोटा छोटा करके। अब हम ले रहे हैं एक बर्तन, इसमें हमने डाला है ये बेसन। अब बेसन में मसाला मिला देंगे। इसमें हमने लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लिया है मैंने चाट मसाला। अब इसमें हम पानी डाल के घोल बना लेंगे। घोल हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मीडियम घोल बना के इसमें हम अंडे को भी मिला लेंगे। ये अंडे देखिए, अंडे में अच्छे से इसको चारों तरफ घुमा के मसाला लगा लेना है। और ये देखिए मैंने लिया है इस प्लेट में सूजी। अब अंडे को सारे सूजी में चिपकाना है। देखिए यहाँ हमने सूजी लेके अंडे के चारों तरफ सूजी चिपका देंगे, ऐसे करके घुमा के सारा तैयार हो गया है। अब लिया है हमने कढ़ाई में कढ़ाई, इसमें हम तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हमें एक एक करके इसमें डालना है। अब देखिए लिया मैंने एक बड़ा चम्मच, इस चम्मच में तेल लेके इसके ऊपर ऐसे डालना है, डालते जाना है शुरू शुरू में। अब ये देखिए, अब इसको हल्का हल्का घुमा के चारों तरफ हल्का गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा गोल्डन होने लगा है। इसको गोल्डन करके फ्राई होने के बाद इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया, अब इसको हम उतार रहे हैं। ये उतर गया हमारा। ये देखिए हमारा इतना बढ़िया वाला क्रंची अंडा का पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।